नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी आट ओडिया यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करती फ्रेंड्स। आज जेनेल अवेयरनेस वीडियो में देखिए फिजिकल ज्योग्राफी फॉर ओडिशा यहाँ से आपको पार्ट सेवेन पूर्व पार्ट वन टू सिक्स ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी। जब आप देखी ना चैनल प्ले लिस्ट जाइए देखिपारे से फिजिकल ज्योग्राफी फॉर ओडिशा ज्योग्राफी प्ले लिस्ट अच्छी से आप देखिपारे। तो ये किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम देखा ड्रेनेज सिस्टम उपर जो ज्योग्राफी रही है फिजिकल ज्योग्राफी फॉर ओडिशा ड्रेनेज सिस्टम उपर किसी क्वेश्चन देखा जो इंपोर्टेंट आप रोचे ओबीसी एएसओ एग्जाम सहित आपको अन्न्य जमी ओएस हो एसएससी रेलवे ओएसएससी एमटीएस पोस्टल सिटी बीईडी जोसे आप स्टेट लेवल किंवा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एग्जाम प्रिपेरेशन करते प्रत्येक एग्जाम पर आपको फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन निहाती आवश्यक होता है। तो वीडियो लास्ट टाइम देखते भले लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे फ्रेंड मैंने सहित जो मैंने प्रिपेरेशन करते सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करने जहाँ इंपोर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपको मिल पार। तो चलते लेट न कर स्टार्ट करेंगे वीडियो। प्रथम प्रश्न देखते फ्रेंड्स कौन रही नलबड़ बार्ड सैंक्चुअरी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन जो नलबड़े बार्ड सैंक्चुअरी रही है मैंने पक्षी मानक जो सैंक्चुअरी अभयारण्य रही है से डिक्लेयर होता है जो सैंक्चुअरी बोली। तो देखते ऑप्शन आपने सामने रही है 1987, 1967, 1990, 1950 कौ मस डिक्लेयर होता है नलबड़ इज ए बर्ड सैंक्चुअरी। तो राइट आंसर रही है आपके ऑप्शन 1987 डिक्लेयर होता है नलबड़ बर्ड सैंक्चुअरी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर इन 1987। सेकंड क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स कौन रही अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ अंशुपा लेक इज अंशुपा लेक आप देखते पूर्व वीडियो में देखी थे। तो अंशुपा लेक जो टोटल एरिया रही है कैसे तो ऑप्शन देखो ऑप्शन वन है 141 हेक्टर्स 134 हेक्टर्स ना 167 हेक्टर्स। तो कैसे हेक्टर्स रही है तार टोटल एरिया अंशुपा लेक्र। तो देखो राइट आंसर रही है आपको ऑप्शन वन 141 हेक्टर्स टोटल एरिया ऑफ अंशुपा लेक इज 141 हेक्टर्स। तीन नंबर क्वेश्चन देखते कौन है ह्विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड नियर द अंशुपा लेक अंशुपा लेक पाखे कौ कौटा अवस्थित अटे। तो ऑप्शन देखते रही है सरंडा हिल्स लिंगुड़ी हिल्स ओलासुनी हिल्स धौलगिरी हिल्स। तो कौ पहाड़ी आपंकर सिचुएटेड नियर अंशुपा लेक अंशुपा हर्द जो रही है आपंकर कौ पहाड़ी आपंकर रही अवस्थित अटे। तो राइट आंसर हो देखते ऑप्शन ए रही है राइट आंसर सरंडा हिल्स सरंडा हिल्स इज लोकेटेड नियर अंशुपा लेक। चार नंबर प्रश्न देखते फ्रेंड्स कौन रही सारा लेक सिचुएटेड इन ह्विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा सारा लेक जो रही है सर कौ डिस्ट्रिक्ट रही है ओडिशा के जिले में अवस्थित सारा लेक ये सब इंपोर्टेंट आप अंशुपा लेक हो सारा लेक हो। तो सारा लेक इज सिचुएटेड इन ह्विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा सारा हदटी आपको जिले में ओडिशा के जिले अवस्थित पूरी नयगढ़ खोर्धा गंजाम। तो क्यों जिले अवस्थित राइट आंसर देखते ऑप्शन ए राइट आंसर पूरी सो सारा लेक इज सिचुएटेड इन ह्विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा पूरी। पांच नंबर प्रश्न देखते कौन रही है ह्विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू सारा लेक कौ रिवर टी आपको सारा लेक ड्रेन है सारा लेक जाइंग मिशी। तो देखते ऑप्शन आपड़ रही है सामने भार्गवी कुशभद्रा मुगई अल। तो क्यों रिवर टी आपर मैंने सारा लेक लीन हो मिशी जाइए। तो राइट आंसर देखते ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर मैंने अल मैंने भार्गवी कुशभद्रा मुगई ये तीन टा रिवर आपर सारा मैंने लेक मिशी। तो ह्विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू सारा लेक भार्गवी कुशभद्रा मुगई रिवर ड्रेन इनटू सारा लेक। तो देखी नि क्वेश्चन गोटे आपर अन्य गोटे क्वेश्चन नेम देर गोटे गोटे ऑप्शन थी मन करो चार अलग अलग रिवर नेम आ भार्गवी गोटे थी। तो भार्गवी आप बासवे कुशभद्रा मुगई तो तीन आपको राइट आंसर मिलगला। तो तीन टा रिवर आपर ड्रेन हो गए सारा लेक। छ नंबर प्रश्न देखते फ्रेंड्स कौन रही ह्वाट इज द एरिया ऑफ कंजिया लेक मैंने कांजिया लेक कहे। तो ह्वाट इज द एरिया ऑफ कांजिया लेक कांजिया लेक टोटल एरिया कैसे मैंने तार जो क्षेत्रफल कैसे रही। तो ऑप्शन देखते आपको सामने रही रहा ऑप्शन ए कौन 105 हेक्टर आउ गोटे 141 हेक्टर आउ गोटे 223 हेक्टर 234 हेक्टर। तो टोटल एरिया मैंने ह्वाट इज द एरिया ऑफ कंजिया कांजिया लेक तो ये आपको भुवनेश्वर पाखे अवस्थित है कांजिया लेकट ये आपंकर जो टोटल एरिया तरह हो ऑप्शन ए है राइट आंसर 105 हेक्टर अच्छे टोटल एरिया। पूर्व आम एरिया पर गोटे देखते टोटल एरिया पर कहार अंशुपा लेक्रे देखते आम तो अंशुपा लेक्र टोटल एरिया के आपको भूल जाइए तरह देखी नि अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ अंशुपा लेक इज 141 हेक्टर। तो जो बर्तमान आम देखे कांजिया लेक जो भुवनेश्वर पाखे अच्छी आपंकर ह्वाट इज द एरिया ऑफ कांजिया लेक 105 हेक्टर मैंने 105 हेक्टर होती कांजिया लेक्र एरिया। सात नंबर क्वेश्चन देखते कौन रही इन ह्विच इयर कांजिया लेक वाज डिक्लेयर आज डिक्लेयर ए वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने भारत सरकार द्वारा राष्ट्र महत्व भाव में मैंने घोषणा कराइला कांजिया लेक को वर्ष से आप देखते ऑप्शन 2006 2001 1994 2008 तो कौ इयर डिक्लेयर करते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते कांजिया लेक वाज द इंपोर्टेंस नेशनल इंपोर्टेंस राष्ट्र महत्व सी। तो राइट आंसर होती है आपको ऑप्शन ए 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते कांजिया लेक हूँ डिक्लेयर एज वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। आठ नंबर क्वेश्चन देखते कौन रही गोवर्धन रिवर मोस्टली फ्लो थ्रू ह्विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा मैंने मोस्टली मैंने कौ रिवर मध्य कौ डिस्ट्रिक्ट मध्य देखिए फ्लो कर गोवर्धन रिवर ताको गोबरी रिवर मध्य कह जाए तरह अन्य नाम। तो दि गोवर्धन रिवर मोस्टली फ्लो थ्रू ह्विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा कौ जिला मध्य देखिए प्रभावित होकर जाए गोवर्धन रिवर। तो देखते ऑप्शन रही है केन्द्रापड़ा केन्दर खोर्धा पूरी राइट आंसर होती है आपको केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य देखिए गोवर्धन रिवर फ्लो करके जाए मैंने प्रभावित होकर जाए। नौ नंबर क्वेश्चन है दि लेक लाइज बिसाइड द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इज नोन एज मैंने जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क पछपटे रही है पाखा बिसाइड मैंने पछपटे जो रही है कौ लेक जो बर्तमान आम डिस्कसन कर पूर्व क्वेश्चन आप देखते जानते हैं।
तो द लेक लाइज बिसाइड द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इज नोन एज तो ऑप्शन देखते रही है कांजिया लेक सारा लेक अशोभा लेक पट्टा लेक तो कौ लेकटी आपंकर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क पचपटे रही बिसाइड रही तो देखते राइट आंसर रही है ऑप्शन वन कांजिया लेक। कांजिया लेक बर्तमान आम डिस्कसन करते भुवनेश्वर साइड रही तो से नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क बिसाइड रही कांजिया लेक तो राइट आंसर है आपंकर ऑप्शन ए कांजिया लेक इज लाइज बिसाइड द नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। 10 नंबर क्वेश्चन देखते करेंगे अंशुभाई मेजर फ्रेश वाटर लेक इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट अंशुभाई लेक आपको जो फ्रेश वाटर रही मधुर जल ह्रद रही आपंकर जिलार अवस्थित अटे तो ऑप्शन देखते आप सामने रही कटक नयगढ़ केन्द्रापड़ा केन्द्र तो क्यों जिलार आपंकर अंशुभा लेक अवस्थित अटे राइट आंसर है आपंकर ऑप्शन वन कटक कटक ठार आपंकर अंशुभाई मेजर लेक जो फ्रेश वाटर लेक रही कटक ठार कटक जिले अवस्थित अटे। 11 प्रश्न रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा मैंने सबसे उच्च जलप्रपात कोटा ओडिशा बोली धरा जाए सब उच्च जलप्रपात गोटे ओडिशा तो ऑप्शन देखो बरेपाणी रही खंडाधार रही डुडुमा रही और बड़ घाघरा रही तेरे भर कौटा सबसे हाईएस्ट जलप्रपात वाटरफॉल इन ओडिशा राइट आंसर रही आपंकर ऑप्शन वन बरेपाणी बरेपाणी इज द इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वाटरफॉल इज नोन एज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया मैंने इंडिया जो वाटरफॉल रही फर्स्ट रही सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कोटा मैंने सेटा ओडिशा रे अपन रही जोटा कि इंडिया रही सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल तो ऑप्शन देखते कौन रही आपंकर बरेपाणी खंडाधार टुडुमा सान घाघरा तो कौ वाटरफॉल आपंकर इंडिया सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल रही राइट आंसर रही आपंकर ऑप्शन ए बरेपाणी जोटा कि ओडिशा आपंकर रही नंबर वन वाटरफॉल मैंने हाईएस्ट वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा हूँ बरेपाणी सेमती इंडिया रही सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल। 10 नंबर क्वेश्चन देखते कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटरफॉल इन ओडिशा मैंने इन मतलब कौटा ओडिशा वाटरफॉल नुहे मैंने वाटरफॉल कितने ओडिशा नुहे तो देखते ऑप्शन आपके सामने रही धुआंधार रही फुल्ली झरन रही बड़घाघरा रही खंडाधार रही तो इन मतलब कौटा ओडिशा वाटरफॉल नुहे जलप्रपात नुहे तो राइट आंसर रही आपंकर धुआंधार जो ऑप्शन ए रही धुआंधार जलप्रपात जोटा कि ओडिशा नहीं तो आपंकर बाकी गुड़ाक फुलझरन हो कि बड़ घाघरा हो खंडाधार हो युवाक आपंकर ओडिशा रही तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटरफॉल इन ओडिशा धुआंधार इज नॉट ए वाटरफॉल इन ओडिशा। तापर देखते 14 नंबर प्रश्न कौन रही बरेपाणी फल्स इज लोकेटेड व्हिच डिस्ट्रिक्ट ओडिशा आम देखे बरेपाणी आपंकर जो रही वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा एंड सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया तो सीटा जो बरेपाणी वाटरफॉल्स आपंकर रही बरेपाणी फल्स रही आपको ओडिशा के जिले में अवस्थित अटे तो ऑप्शन देखते मयूरभंज रही सुंदरगढ़ रही केउँझर रही गंजाम रही तो ओडिशा के जिले में बरेपाणी वाटरफॉल्स अवस्थित अटे हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा राइट आंसर है आपंकर मयूरभंज मयूरभंज टाइम आपंकर बरेपाणी फल्स अवस्थित अटे लोकेटेड एट मयूरभंज। 15 नंबर क्वेश्चन देखते कौन रही खंडाधार फल्स इज सिचुएटेड एट जमी आम देखे बर्तमान बड़ घाघरा फुल्लीचरण बड़ घाघरा खंडाधार एम जलप्रपात ओडिशा रही तो जो खंडाधार जलप्रपात आपको रही खंडाधार फल्स इज सिचुएटेड ओडिशा के जिले अवस्थित अटे तो ऑप्शन देखते रही सुंदरगढ़ रही मयूरभंज गंजाम पुरी तो ओडिशा के जिले में खंडाधार जलप्रपात अवस्थित अटे राइट आंसर रही आपंकर सुंदरगढ़ सुंदरगढ़ जिले में खंडाधार जलप्रपात अवस्थित अटे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते कौन रही जोरंदा फल्स इज लोकेटेड एट व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा मैंने जोरंदा फल्स आपंकर रही गोटे से ओडिशा के जिले में अवस्थित अटे तो ऑप्शन देखते अपना सामने रही मयूरभंज अनुगुल कटक गंजाम तो इनके मतलब कौ जिले में जोरंदा फल्स अवस्थित अटे तो राइट आंसर रही आपंकर मयूरभंज मयूरभंज में आपंकर जोरंदा फल्स अवस्थित अटे बर्तमान आम देखते बरेपाणी आपंकर रही कौटी ना मयूरभंज में रही बरेपाणी वाटरफल्स आपंकर मयूरभंज रही आठ आपंकर जोरंदा फल्स मयूरभंज रही तो मयूरभंज दुईटा वाटरफल्स आपंकर रही तो जो जोरंदा फल्स आपंकर रही मयूरभंज रही आम खंडाधार देखे से सुंदरगढ़ ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन देखते कौन रही हरिशंकर वाटरफॉल ओरिजिनेट्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन ओडिशा मैंने कोई हिल्स कोई पार्ट आपंकर एरिया हरिशंकर वाटरफॉल अवस्थित मैंने बाहर तो देखते राइट आंसर आपंकर कौन हम ऑप्शन आपके सामने रही गंधमार्दन रही शिमिलपाड़ रही नियमगिरी रही आउ बड़मुआ पार रही तो मानकर कौ हिल्स रू बाहर आपंकर कौन ना ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन ओडिशा हरिशंकर वाटरफॉल हरिशंकर जलप्रपात आपंकर कौ हिल्स बाहर तो देखे ऑप्शन आपके सामने रही तो 17 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर रही आपंकर गंधमादन गंधमादन हिल्स आपंकर हरिशंकर वाटरफॉल्स ओरिजिनेट्स तो राइट आंसर रही आपंकर गंधमादन हिल्स। 18 नंबर क्वेश्चन देखते कौन रही डुडुमा वाटरफॉल इज फॉर्म्ड ऑन द रिवर मैंने कौ वाटर जो डुडुमा वाटरफॉल रही आपंकर डुडुमा जलप्रपात आप जानते सीटा आपंकर कौ रिवर पर अवस्थित अटे कौ रिवर पाखे रही तो देखते ऑप्शन आप सामने रही माछकुंड इंद्रावती सालंदी सिलेरु तो कौ नदी पाखे आप डुडुमा जलप्रपात रही अवस्थित अटे तो राइट आंसर रही आपंकर माछकुंड माछकुंड रिवर पाखे अवस्थित अटे दि डुडुमा वाटरफॉल इज फॉर्म्ड ऑन द रिवर माछकुंड। 19 नंबर क्वेश्चन देखते कौन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मत्स्यतीर्थ इन ओडिशा मैंने मत्स्यतीर्थ भाव में ओडिशा जनाई थे कौटे आपंकर तो ऑप्शन देखते रही डुडुमा फॉल्स मैंने डुडुमा जलप्रपात ना सानघाघरा फॉल्स सानघाघरा जलप्रपात ना फुल्ली झरन फॉल्स ना बड़घाघरा फॉल्स तो कौ जलप्रपात कौ फॉल्स आपंकर मत्स्यतीर्थ भाव में जना जाए ओडिशा से रही तो ऑप्शन देखते राइट आंसर रही आपंकर ऑप्शन ए डुडुमा जलप्रपात आम देखे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠି ଅଛି? 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡୁଡ଼ୁମା ୱାଟରଫଲ ଇଜ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦି ରିଭର ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ରହିଛି ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିଙ୍ଗ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ 19 ନମ୍ବରର, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ତୀର୍ଥ, ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ତୀର୍ଥ ମାନେ କମାସେ ମାଛ ଉପରକୁ ବୁଝୁଛି। ତ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଡୁଡ଼ୁମା ଫଲ୍ସ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡୁଡ଼ୁମା ଫଲ୍ସ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ତୁକା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଡୁଡ଼ୁମା ଟ୍ରିକ୍ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ତ ଡୁଡ଼ୁମା ଫଲ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦି ରିଭର ବଂଶଧାରା ଅରିଜିନାଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍, ରିଭର ବଂଶଧାରା ରିଭର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ସ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଆସିଛି, ସେ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, କେଉଁ ହିଲ୍ସରୁ ଆସିଛି? ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହିଲ୍ସ ରହିଛି, ସରନ୍ଦା ହିଲ୍ସ ରହିଛି, ତାପରେ ଓଳାଶୁଣୀ ହିଲ୍ସ ଆଉ ଧଡ଼ିଗିରି ହିଲ୍ସ। ତ କେଉଁ ହିଲ୍ସ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି ବଂଶଧାରା ଅରିଜିନାଲ୍ସ ହେଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହିଲ୍ସ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହିଲ୍ସରୁ ବଂଶଧାରା ରିଭରଟି ଅରିଜିନାଲ୍ସ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହିଲ୍ସ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ତ ବସୁନ୍ଧରା ଅରିଜିନାଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍, ବଂଶଧାରା ରିଭର ଅରିଜିନାଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହିଲ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଡେଲି ବେସିସ୍ ଆପଣଙ୍କ 2ଟା ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବେଳେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ସେଣ୍ଡ କରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ 8ଟା ବା 9ଟା ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତା ସେଇ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଟାଇମ୍, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍।